राइड के बारे में मैं भी तैयारी चल रही है मेरी, उस राइड के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मैं निकल रहा हूँ सोलो राइड पर, जो कि पूना से रायगढ़ मे बी 130-140 किलोमीटर होगा। तो इस सोलो राइड पे मुझे 6 बजे निकलना था सुबह, 12 बज चुके हैं सुबह के, कुछ भी पैकिंग हुई नहीं है मेरी अभी तक। तो मुझे अभी ये पैकिंग करवा के पूरी, मुझे 1-2 घंटा और ऑफिस जाना है, वहाँ पे मे बी 1-2 घंटा लग सकता है, उसके बाद मुझे सोलो राइड पर निकलना है। ये लेट हो चुका है, लेकिन मैं ये सोलो राइड कैंसिल नहीं कर सकता क्योंकि पूरा मैंने प्लान किया था। तो अब चलो चलते हैं, पैकिंग करते हैं, इन छोटों को अपने नाना के घर पे छोड़ना है। अभी इनको पूछते हैं कि साला ये लोग अपने हेल्प करेंगे या नहीं करेंगे। तुम मेरी अभी पैकिंग करने की हेल्प करोगे? 100 रुपीस दूंगा। 100 रुपीस देने के बाद भी नहीं? 100 रुपीस क्यों? मम्मा नहीं, तुम करोगे और चॉकलेट भी दूंगा। डन, अच्छा ओके। तुझे चॉकलेट नहीं चाहिए, पैसे चाहिए। What do you want? चॉकलेट, पैसे? हजार रुपए? Oh my God, 1000 रुपीस। क्या करेगी इतने पैसे का? लेस। अच्छा चलो जल्दी जल्दी पैकिंग करो। ओके मुझे निकलना है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। चलो चलो जल्दी जल्दी पैकिंग करो, जो भी दिख रहा है वो बैग में रखो। कभी कभी कुछ ऐसे भी प्लान होते हैं जो बनते बनते बन जाते हैं, और कभी कभी कुछ ऐसे भी प्लान होते हैं जो बनते बनते रह जाते हैं। एक्चुअली सुबह 7 बजे निकलने वाला बंदा शाम को 5 बजे अपनी सोलो राइड पर निकल रहा है, वो भी अपनी पहली सोलो राइड। तो काफ़ी डर भी लग रहा है, काफ़ी नर्वस भी फील कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी पहली सोलो राइड है और 5 बजे निकलना मतलब थोड़ा सा परेशानी भी है, क्योंकि मे बी पुणे से मैं निकल रहा हूँ रायगढ़ के लिए। पुणे से 140-130 किलोमीटर है और अकेले ट्रैवलिंग करना पता नहीं अब आगे कैसे होता है, क्या होता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन बस मुझे मेरा ये छोटा सा प्लान बिगड़ना नहीं था, इसलिए मैंने ये इसे कंटिन्यू किया। लेकिन 7 बजे से 5 बजे तक अपनी काम की जिम्मेदारियाँ पूरी करते 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 फाइनली अब मुझे अपनी ज़िंदगी जीने का टाइम मिला है। तो अब चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है यहाँ पे। अगर और मैं टाइम वेस्ट कर पाऊँगा तो आगे के व्यू आपको दिखा नहीं पाऊँगा, तो चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनली राइड चालू, आई होप सब ठीक ठाक हो जाए। मजा आएगा बबुआ। ये मोबाइल इतना क्यों हिल रहा है मेरे भाई? पूना से 150 किलोमीटर में पहली बार सोलो राइड कर रहा हूँ, वो भी एक्टिवा पर, तो ये मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा। इतना ट्रैवलिंग मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, उतना काम भी इम्पोर्टेंट है। तो सब ये काम ख़त्म करके मैं सोचा कि मैं अब मुझे अब निकलना होगा, मैं प्लान कैंसिल नहीं कर सकता। अब देखते हैं आगे की जर्नी कैसी होती है, मुझे रात से पहले किसी भी हालत में पहुंचना होगा। शायद मुझे 10-11 बज सकते हैं रायगढ़ के पास जाने के लिए, ऊपर तो मैं आज नहीं जा पाऊँगा, सुबह जाना पड़ेगा मुझे। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जाऊं। ए मेरे भाई, रास्ता खराब दिख रहा है। ये है पिरंगुट, तो वेलकम टू पिरंगुट।
जाने दे, मुझे जाना है। तो और एक नई चाय के साथ एक छोटा सा ब्रेक। एक्चुअली तामिनी घाट अभी जस्ट मैंने पूरा कर दिया है, तो यहाँ पे एक छोटा सा होटल है, वहाँ पे मैं रुका हूँ। यहाँ से मे भी मैंने एक जन से पूछा, 80 किलोमीटर यहाँ से और डिस्टेंस है, तो आप धीरे धीरे जाएंगे। मेरे ख्याल से 8 बज चुके हैं, तो आप आराम से जाएंगे, चाय का चुस्का मारते हैं। बढ़िया चाय भी बढ़िया और मौसम भी बढ़िया। चार मैगी, अगर रात को खाने के लिए कुछ नहीं मिला तो मैगी काम आ सकती है। ओके, एक मिनट, दो। चलो अब चलते हैं। मेरे ख्याल से इनके लिए भी कुछ लिया जाए। वाह क्या बात है। हाँ okay, thank you. Even the nights the darkest before the dawn. Live your life, live your dream. It's the sound of soul in me, in me. Live your life, live your dream. Oh, 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 you in run with jubilee. Bye. तो बस अब खाना खा लिया, अब निकलते हैं। पेट्रोल 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 भरना पड़ेगा लग रहा है। अभी मैंने खाना खाते खाते चेक किया, 5 किलोमीटर पे पेट्रोल पंप है। वो जो गाड़ियाँ दिख रही है उन्होंने ही मुझे एक रास्ता बताया, तो उनके अलावा यहाँ पे सिर्फ एक ही गाड़ी है, बल्कि सिर्फ मेरी। रायगढ़ किला 30 किलोमीटर। ओके ठीक है, मुझे 1/2 किलोमीटर पेट्रोल पूरा, कितना पड़ता यूटर्न मारूँ। ओके तो 4 किलोमीटर जा, 4 किलोमीटर होते राइट मारा सरल। ठीक है चल, रास्ता ठीक है ना, रास्ता वगैरह एकदम रास्ता ठीक है, पर सौगत जा काम चल रहा रास्ते। अच्छा ठीक है चलो, थैंक यू। हाँ सर। चलो फाइनली पेट्रोल पम्प भी मिला है। फुल करा फुल। पुढे टेंट टाकायचं आहे, तर टेंट टाकण्यासाठी जागा भेटेल चांगली? टेंट टाकण्यासाठी हां, म्हणजे रायगडच्या पायथ्याच्या वगैरे तिथे वाटत नाही, पण ठीक ठाक असं प्लेस आहे का, म्हणजे बाबा टेंट मी टाकू शकतो? आम्ही पण लोकल ऍक्च्युअली काय। अच्छा तुम्ही पण, अच्छा ठीक आहे ठीक आहे, चालेल धन्यवाद। तो अभी मैं इस जगह पे पहुंचा हूँ, रायगढ़ रोपवे के लिए जाने के लिए लेफ्ट दिखा रहा है, और ये मैं जिस जगह पे रुका हूँ उस जगह का नाम है गांगवली कुंभारवाड़ी। तो आसपास 5-5 किलोमीटर तक में भी कोई पीछे तो कोई दिखा नहीं है, आगे का पता नहीं आगे कौन दिखता है क्या, क्योंकि मुझे टेंट लगवाना है, तो मुझे पूछना है किसी को कि कहाँ मुझे परमिशन मिल सकती है टेंट लगवाने के लिए। तो अभी चलते हैं, मे बी एक 20 किलोमीटर यहाँ से डिस्टेंस है। रायगढ़ 19 किलोमीटर दिखा रहा है, 19 किलोमीटर, और राइट साइड में मानगांव है। कोई अच्छा छोटा सा गांव मिले तो
तो मेरे लिए बेटर होगा। शायद ये जगह मेरे लिए अच्छी हो सकती है, तो अब देखते। तर काका इथं मी झोपू शकतो टेंट टाकून? काय प्रॉब्लेम नाही ना इथं? बारह बज के 15 मिनट हो चुके हैं और अपना टेंट एक ऐसी जगह पे लगा है जहाँ पे बिल्कुल सेफ है। यहाँ पे ये अंकल है जिन्होंने यहाँ पे टेंट लगवाने के लिए परमिशन दी है। काका मग मंदिरात तुम्ही रोज इथंच असता का? अच्छा, मंदिराचा देखभाल वगैरे करता का? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक आहे चला, धन्यवाद। एक्चुअली मेरे वजह से वो सब लोग की नींद ख़राब हो चुकी है। सब लोग वो मुझे देखकर थोड़े से परेशान हो गए, सब लोग उठ गए और पूछने लगे कि कहाँ से आए हो, क्या हुआ है। तो मैंने उनको बताया, नहीं मैं तो मतलब ट्रैवलिंग करता हूँ, मेरी अपनी गाड़ी आ चुकी है। ओके, अब उनसे थोड़ा जाता हूँ, बातें करता हूँ। ओके अंकल, अभी मुझे यहाँ पे भूत प्रेत की कहानी सुना रहे। भूताचा विषय आपण सोडून देऊ कारण माझी एकदम फाटते। जवळ आहे का इथं ना एकदम? तरी किती किलोमीटर असेल? 6 किलोमीटर आहे। 6 किलोमीटर फक्त? खाली 1 किलोमीटर होईल। अच्छा, मध्ये काय दरी आहे अशी आतमध्ये? अच्छा अच्छा अच्छा, म्हणून रस्ता वळून नेला असा। अच्छा, वरून डोंगराच्या मेरे मेरे नेला म्हणून जरा। अच्छा, म्हणून जरा जास्त लांब पडतोय। Above the skies, overseas, I hear them all, those places calling me. To never give up, to never back down, you get through the storm. Even पहिले पण कोणी आलं का इथे असं? नागपूरवरून आली। नागपूरवरून? अरे बापरे, सायकलवरती ना? सायकलवरती, त्याने सर्व लाईट बीट सगळी आणि सूर्यकिरणची लाईट असली होती। दिवस सायकल चालवायचं, चार्जिंग व्हायची। हा का? सर्व प्लेट बीट लावूनच आलेले ते लोक। 3 कप घेऊन ये मग। ते गॅसवरती बनवून दिली असते ना तुम्ही, कुठे तुम्हाला दुसऱ्या कामास लागला असता ना बाटला? नाही जाऊ दे, चालेल, काय प्रॉब्लेम नाही। कसं झालं काय माहिती नाही, लिंबू बहुतेक जास्त असेल। ये जो अंकल दिख रहे हैं, इनका पीछे होटल है और ये अंकल उनके पास काम करते हैं, मंदिर में ही सोते हैं। तो चलो, अच्छा, अच्छी कंपनी मिली है। ये अंकल ने मुझे बैटरी ला कर दी है, अगर कुछ जरूरत पड़े तो रख लो बोले।